फिरोजाबाद जिले एवं बहा आगरा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। क्षेत्र के शिकोहाबाद से बहा आगरा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। बुधवार को शिकोहाबाद ARM ने बस को हरी झंडी दिखाकर रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ नारियल फोड़ एवं हरी झंडी दिखाकर किया गया। बुधवार को शिकोहाबाद से बहा आगरा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ राघवेंद्र सिंह और अनिल पचौरी ने नारियल फोड़कर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे कई गांवों के लोगों ने खुशी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पैदल व दोपहिया वाहन से अब नहीं जाना पड़ेगा, गांव से ही बस मिल जाएगी। ARM राघवेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 51वें स्थापना दिवस पर यह सेवा शुरू की गई है। ये सेवा शिकोहाबाद से रोडवेज बस रोजाना सिरसागंज, आमौर, मदनपुर, कुतुबपुर चौराहा, नसीरपुर, बटेश्वर, बाहा के लिए संचालन प्रारंभ किया गया है। ये बस सेवा रोजाना 3 चक्कर लगाएगी। काफ़ी समय से ग्रामीण गांव से होकर बस संचालन की मांग कर रहे थे। बुधवार को उनकी मांग पूरी हो गई। बुधवार को शिकोहाबाद से बस को रवाना किया गया। सुबह 7:30 बजे शिकोहाबाद से निकलेगी, उसके बाद सिरसागंज, सिरसागंज से 8 बजे आमौर, मदनपुर, कोतकपुर, उसके बाद चौराहा और बटेश्वर धाम, नसीरपुर चौराहे के बाद बटेश्वर धाम और बटेश्वर धाम से बाहर से वापसी में ये उसी मार्ग से पुनः वापस आए। आज किस पक्ष में चलाई गई साहब? ताकि ग्रामीण लोगों को बटेश्वर धाम जाने के लिए, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसके अतिरिक्त उसके आगे बाहर है जो काफ़ी बड़ी तहसील है, तो वहाँ के लोगों को बटेश्वर धाम वापस आने के लिए, बटेश्वर धाम से पुनः ग्रामीणों को वापस लाने के लिए सेवा का शुभारंभ किया गया, ताकि ग्रामीण जनता जो आज तक इस लाभ से वंचित थी, उनको ये लाभ प्रदान किया जा सके। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।